I hate school. देखो मुझे पता है तुमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर सौ वीडियोस देख रखे हैं। हेलो मित्रों पता है स्कूल में ना मैं बहुत ही ज्यादा नटखट था तो चलो मैं तुमको आज एक किस्सा सुनाता अरे अरे ये टैंक अंदर क्यों आ रहा है इधर कोई 26 जनवरी की परेड थोड़ी ना चल रही वन टू वन टू वन तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये ऐसी रिलेटेबल वीडियो होने वाली है तो नहीं आज मैं तुम्हें स्कूल के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुमने कभी नहीं सुनी होगी जैसे हमारी स्कूल का प्रिंसिपल मोदी जी और एलियंस के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी चलाता है अरे सिकंदर जी आप वो अंडे को गलत खा रहे हैं मेरा नाम साइकेदर है अरे सिकंदर साइकेदर साइकेदर अच्छा ठीक है साइकेदर जी आप वो अंडे को फोड़ के खाइए ना मित्रों आप दोनों अंडे को गलत खा रहे हैं अंडे को गील लिया जाता है ओके okay, मैं मजाक कर रहा था ये वीडियो रिलेटेबल होने वाली है इतनी ज्यादा रिलेटेबल कि तुम्हें ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे कान पास आके ये चीजें बता रहा हूं वीडियो देख चुपचाप तो आई हिट स्कूल क्योंकि उधर पसंद करने लायक है ही क्या अजीब से टीचर्स अरे शिल्पा मैडम जी क्या खा रही हो जी कुछ नहीं टिंडे की सब्जी है. है, है अरे अकेले अकेले खा रही हो हमको नहीं खिलाओगी अजीब से बच्चे फिर पता है पावर रेंजर्स में रेड रेंजर ने उधर जाके इसने मेरी रबर खा ली फिर पता है पावर रेंजर्स में क्या और एक अजीब प्रिंसिपल जिससे तुम अपनी पूरी स्कूल लाइफ डरते रहते हो मगर असलियत में वो बस तुम्हें एक या दो बार ही दिखा होगा पूरी स्कूल लाइफ में वो भी जनवरी को झंडा बंदन के टाइम पर तो अब हमारे माननीय प्रिंसिपल नरेश जी करेंगे झंडा बंधन जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल एहां। ये अरे 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 ये कैसा प्रिंसिपल ये तो उड़े गया ऊपर वंदे मातरम क्या ये, ये, है, बाते बाते स्कूल में ना इतनी फालतू चीज सिखाएंगे सेकंड क्लास तक तो गाय का निबंध नहीं चलता है तो बच्चों अपनी कापी में लिखो गाय के चार पैर होते हैं अच्छी बात है स्कूल वालों ने बता दिया कि गाय के चार पैर होते हैं वरना मुझे तो लगता था गाय दो पैरों पे चलती है और वो एक सीक्रेट एजेंट है मू? हेलो एजेंट पैरी तुम कहाँ तक पहुँच गए तुम जल्दी पहुँचो मैं बस पहुँचने वाला हूँ इस चीज से तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा अरे पैरी महाशय तुम और गाय दो मिनट रुको स्कूल में तो हमें कभी सिखाया नहीं गाय एजेंट भी होती है अगर तुम थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाती हो तो स्कूल वाले अजीब से पत्रों लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं अपने मित्र राजू के पिता के मर जाने पर उसे एक पत्र लिखे और उससे ये भी पूछे उसे कैसा लग रहा है इसके साथ उसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का महत्व भी बताए इसके साथ उसे ये भी बताए की उसने जो आपको रोमांचक किताबें दी थी वो आपको कितनी पसंद आई दो शब्दों में एक बार को सोचो ये सारी चीजें असलियत में हो रही होती प्रिय मित्र राजू सेवा में बुरा लगा नहीं बहुत बुरा लगा तुम्हारे पापा मर गए आ, मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार है और प, पतंग उड़ाना महत्वपूर्ण है उसमें और तूने तु, जो किताब दी थी ना मुझे वो रोमांचक वाली उसके अंदर एक गांधी जी वाला चैप्टर था उसमें वो बड़ा पसंद आया मुझे जिसमें वो लंगोट पहनते हैं धन्यवाद तुम्हारा प्रिय मित्र सुभाष हो गए ढाई सौ वर्ड स्कूल में सबसे फालतू सब्जेक्ट पता ही कौन सा है मॉरल साइंस एम बच्चों हमें सच बोलना चाहिए हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ये सब्जेक्ट का रियल लाइफ में क्या काम है मुझे कोई आइडिया नहीं है <laughs> मुझे चोरी नहीं करना चाहिए मुझे सच बोल देना चाहिए हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी मैं सरेंडर करता हूँ <laughs> रुक जाओ <laughs> बहुत भगाया हाँ <laughs> क्या बोल रहे थे तुम चलो कोई बात नहीं अरे सर लेकिन वो तो सरेंडर कर रहा था आपने मारा क्यों उसे अच्छा सरेंडर कर रहा था ये लो मैंने भी कर दिया सरेंडर ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी सर सर आप तो बड़े आप तो बड़े चुलबुल पांडे ना? <laughs> चल तेरे को बियर पिलाता हूँ स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर क्या सिखाया है? जूते साफ होना चाहिए बाल छोटे होना चाहिए और नाखून भी कटे हुए होना चाहिए फिर भली तुम एक आतंकवादी हो अगर तुम्हारे जूते साफ है और बाल छोटे है तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा ओ नमन नमन सारे वायर लगा दिए ना हाँ भाई सारे वायर लगा दिए अब मजा आएगा ना ये किसी ने प्रिंसिपल ऑफिस उड़ा दिया किसने उड़ाया है इन दोनों के तो बाल छोटे हैं तूने ने है तेरे बाल बड़े ए? अरे सर लेकिन मैं तो आपके साथ आया अभी बहुत झूठ बोलता है तू लंबे बाल वाले चल पुलिस पास मेरी स्कूल में असेंबली के टाइम पर रोज बच्चों के बाल नाखुन और जूते चेक होते थे और जिन बच्चों के नाखून या बाल बड़े होते थे या जूते साफ नहीं होते थे उन्हें स्टेज पर ले जाके खड़ा कर देते थे, थे ताकि उन्हें शर्म आए और वो अगले दिन से अच्छे बन के आए पर पता ही क्या स्कूल के बच्चे बहुत अलग आते हैं उन्हें नहीं आती शर्म वरम वो बच्चे स्टेज के ऊपर से हाथ हिला रहे हैं नालायक को जैसे विवेक विवेक इधर विवेक देखना इधर। उधर बेचारा विवेक मुँह छुपा रहा है ए, हट, हट। ने, ने, मेरा दोस्त थोड़ी ना जंगली रवि हाथ हिलाना कर यार मुझे ना स्कूल के असेंबली आज तक समझ में नहीं आई असेंबली में ना अलग ही मस्ती चलती है रोज के रोज कोई सी नई जयंती या फंक्शन आ जाता है फिर तुम्हारा गंदी शक्ल का स्पोर्ट टीचर आता है और आके ना कुछ ऐसा बोलता है <laughs> so, मजेदार इंग्लिश बोल के जाता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता मगर फिर सारे बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं सिवाय उन दरिंदों के जिनके बाल और नाखून बड़े बड़े है उन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा. उसके बाद नाइन्थ क्लास की लड़की आएगी और ऐसे गाने पर डांस करेगी जो तुमने आज तक नहीं सुना होगा प्यासा ही रन जैसे ढूंढे है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा साइड में वो स्पोर्ट टीचर दरिंदो को पीछे खींच रहा है ए, पीछे पीछे आओ आओ आगे किधर जा रहे हो नाच चल रहा है उधर इसीलिए मैंने बचपन से कभी स्कूल को सीरियसली नहीं लिया एनुअल फंक्शन नहीं होता है स्कूल में वो जिसमें बच्चों से पैसे लेके बच्चों को ही नचाते है स्कूल में फुल बुघी बुगी बना देते हा वही मैं उसको थर्ड क्लास तक एनिमल फंक्शन समझता था मुझे सच में ऐसा लगता तैयार की होता होगा कोई फंक्शन जिसमें शेर चीता भालू आते होंगे मुझे लगता था स्कूल वाले कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग तो वो देखो वहां पे जेब्रा और प्रिंसिपल के बीच में डांस बैटल चल रहा है भी स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना नर्सरी स्कूल की सबसे बेस्ट जगह है कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो जाके नर्सरी के बच्चे पर निकाल दो बेचारों को बोलते तो आता नहीं किसको ही बोल देंगे गुगु <laughs> अ तुम्हें भूख लगी है क्या गुगु 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 अ ये खाओगे <laughs> देखो पैसे नहीं दूंगा ये चाहिए तो ले लो नर्सरी क्लास का इतना नेगेटिव माहौल रहता है सारे बच्चे रोते रहते हैं एक बेचारे टीचर को छोड़ देंगे उस क्लास में उस टीचर को भी नहीं पता है क्या करना है वो कुछ भी कर रहा है बच्चों 1 2 3 4 5 नर्सरी क्लास के ना दो मूड होते हैं एक जिसमें सारे बच्चे आतंकवादी रहते हैं और दूसरा जिसमें सब सो जाते हैं एकदम तो सिवाय उस टीचर के वो अभी भी रो रहा है उसे बहुत जम से लगी है मुझे लगता है मुझे उसे चुप करवाना चाहिए अरे कोई नहीं भाई होता है लाइफ में चीटी मर गई यो इस वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है हम लोग थ्री हंड्रेड के, के बहुत करीब है वैसे हाँ चैनल से याद आया चैनल के मेंबरशिप अब ऑन है तो अगर तुम लोग को मुझसे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाने तो चेक करना मत भूलना एंड बिग शाउट टू और चिंग्स उन लोग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में तो चेक करना मत भूलना एंड मैं बोलता तो हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय